भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया। आजादी के इन 75 सालों में भारतीय सिनेमा ने एक रिमार्केबल जर्नी तय की है। भारतीय सिनेमा को अगर एक बिगर प्रोस्पेक्टस में देखा जाए तो मेन स्ट्रीम सिनेमा के अलावा रीजनल सिनेमा में भी बहुत जबरदस्त काम हुआ है। कुछ समय पहले तक रीजनल कही जाने वाली साउथ इंडस्ट्रीज की फिल्में आज मेन स्ट्रीम सिनेमा की जगह लेती जा रही है, जहां बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बन रही है और साउथ इंडस्ट्रीज की फिल्में पूरे देश में देखी जा रही है। इसके अलावा जो भारत का रीजनल सिनेमा है जैसे मराठी, भोजपुरी, बंगला, इनमें भी समय के साथ साथ बहुत बेहतरीन काम हुआ है। समय समय पर भारत को आंख दिखाने वाले और भारत से हर बात पे कंपैरिजन करने वाले पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम सिनेमा भारत के रीजनल सिनेमा को भी टक्कर नहीं दे पाता। पाकिस्तान की आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी की बात करें तो वो थी 2018 में आई जवानी फिर नहीं आनी 2, जिसने टोटल 53 करोड़ की कमाई करी थी, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इसके डबल से भी ज्यादा कमाई करी थी एक मराठी फिल्म सैराट ने, जिसने टोटल 110 करोड़ का कारोबार करा था, जो भारत के एक रीजनल सिनेमा से आती है।